हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज की जो वीडियो होगी दिस इज़ अबाउट अनबॉक्सिंग आर्ट मटेरियल। मैंने आर्ट लाइन्स से कुछ पेंसिल्स ऑर्डर की थी, ग्रेफाइट पेंसिल्स ऑर्डर की थी, तो इनको हम आज अनबॉक्स करेंगे। सो दीज आर आर्ट लाइन पेंसिल्स दैट आई ऑर्डर फ्रॉम अमेजोन। सो टुडे आई गेट इट, सो आई मेड द व्लॉग ऑफ अनबॉक्सिंग दिस। सो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। इसमें आर्ट लाइन के टू बॉक्सेस हैं, टू पेंसिल बॉक्सेस। इसमें वन बॉक्स में सिक्स पेंसिल्स हैं और इसमें आपको देखिए ये सभी शेड्स मिल जाएंगे, HB, 2B। और वन बॉक्स में ये सिक्स पेंसिल्स होती हैं, सिक्स पेंसिल्स और सिक्स डिफरेंट शेड्स होते हैं इसमें। तो टू बॉक्सेस थे तो टोटल थी 12 पेंसिल्स और वन बॉक्स मुझे पड़ा 70 रुपीज़ का और टोटल था इसका 140। तो मैंने ये अमेजोन से ऑर्डर किया है। अगर आप भी इसे बाय करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। अब हम इस पेंसिल से ड्रॉ करके देखते हैं। तो मैंने सभी पेंसिल्स को शार्प कर लिया है एंड शार्प करते टाइम इसका एक भी बार जो लीड है वो नहीं टूटा एंड इतने स्मूथली ये शार्प हो गई है। तो ये देखिए सभी शेड्स हम इसमें ड्रॉ करके देखेंगे कि कौन सा कितना लाइट है और कितना डार्क है। सबसे पहले HB जो नॉर्मल पेंसिल होती है जैसे नटराज की, वैसे इसकी शेडिंग करके देखते हैं हम। तो HB का शेडिंग भी बहुत स्मूथली हो रहा है। तो अब हम 2B ट्राई करेंगे। 2B इससे थोड़ा सा डार्क होता है। तो जैसे जैसे शेड्स बढ़ते जाते हैं, शेड्स का नंबर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इसकी जो शेडिंग है उसकी डार्कनेस भी और इंक्रीज होती जाती है। तो 2B के पास 4B। तो ये पेंसिल्स लेने से आपकी ड्राइंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है, क्योंकि आपको फिर ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई करके ड्राइंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आपके पास डार्क और लाइट शेड्स दोनों तरह के शेड्स होते हैं। तो 8B जो 6B से भी ज़्यादा डार्क है और इसमें जो हाईएस्ट डार्क है वो है 10B। तो देखिए सभी की शेडिंग में कितना डिफरेंस है, लाइट टू डार्क हमें शेडिंग मिल रही है और हमारी ड्राइंग इससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है। सो यू मस्ट बाय दिस और ये बहुत ही ज़्यादा चीप रेट पर भी आपको मिल जाएंगे। And thank you so much for watching the video. I need all of your support, so thank you so much. And please subscribe, like if you like the video, then and comment also what should I vlog next. Thank you so much.